सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। और आप लोग कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं और मैं अपनी रोटी बना रही हूँ। ये देखो मैंने लाइट ऑन नहीं की है क्योंकि खिड़की में से उजाला आ रहा है इस वजह से। और हमारा बेटू स्कूल जा चुका है, उसके हो गए हैं अब 9 बजे के स्कूल, इसलिए वो 8:30 बजे स्कूल निकल जाता है, जिससे वो अच्छे से पहुँच जाए, बैठ जाए, सबसे आगे बैठना रहता है उसको, इसलिए मैं जल्दी भेज देती हूँ। और मैं काम कर रही थी, ये देखो मैं रोटी बना रही हूँ। जब तक मैंने सोचा मैं अपने हाथ की पट्टी खोल कर रख देती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि पट्टी किस चीज़ की, ठंडक से मेरे हाथ में दर्द होता है इस वजह से। ये देखो मैं इसको खोल रही थी, पहले मैं खोल लेती हूँ उसको अच्छे से। इसको खोल के रख देती हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। चलिए तो मेरी पट्टी भी खुल चुकी है, ये देखो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और मेरे को धूप कैसी निकल रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी धूप निकल रही है। चलिए तो मैं तो रोटी बना लेती हूँ। अभी हमारा बारिश सो रहा है, अभी उठा नहीं है। मैं रोटी बना के आप लोगों से थोड़ी देर से मिलती हूँ। चलिए तो मेरी रोटी बन चुकी है, मैंने गैस भी साफ़ कर दी है, प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया है, ओनली मेरी बर्तनों की सफाई रह गई है। ये देखो थोड़े से बर्तन हैं, मैंने रात को भी मांजे थे इसलिए। और अब कर रही हूँ मैं रूम की क्लीनिंग। ये देखो आधी झाड़ू लगाई है, आधी मैंने रख दी है। चलिए तो मैं क्लीनिंग के बाद में मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से, क्योंकि मुझे नीचे तक जाना है झाड़ू लगाने। चलिए तो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं। ये देखो इनको मांझ लेती हूँ मैं, पहले कैमरा सेट करती हूँ। कैमरा सेट तो नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसलिए मैं पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे आज रूम का पोंछा भी लगाना है, क्योंकि दाग लग गए हैं, बच्चों ने चाय वगैरह पिला दी है, उनका तो काम यही है। पहले मैं बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, फिर पोंछा लगाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं, ये देखो पूरी क्लीन हो गई है किचन। चलिए तो आप पोंछा लगा लेते हैं। चलिए तो लास्ट में मेरा पोंछा रह गया था और मैं जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट पोंछा लगा लेती हूँ। वैसे मैं इतनी फास्ट में लगा तो नहीं रही ही, लेकिन मैंने फास्ट कर दिया है। और ये देखिए मैं जब तक अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग ना कर दूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैंने जल्दी जल्दी से पोंछा लगा लिया है, जिससे सारी डस्ट साफ़ हो गई है, क्योंकि बच्चों ने रूम में चाय वगैरह जो भी कुछ खाते पीते हैं वो फैला देते हैं, तो उससे चिपचिप हो जाती है। इस वजह से मैंने पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ इसलिए बच्चे गंदगी कर देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साफ पाक जगह होती है जब भी नमाज़ पढ़ी जाती है। और उसी वजह से रूम भी मेरा क्लीन हो जाता है अच्छे से। और ये देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर का काम करके नीचे वाले रूम का करने भी जाना है। और ये देखिए और बहुत ही अच्छे से मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था, और मैं काम से फ्री भी हो गई थी पोछा लगाने के बाद में। और ये देख के माशाल्लाह से बहुत ही फास्ट में पोछा लगा लिया है मैंने। चलिए तो फिर आप लोगों से बात करते हैं। पूरे रूम का पोछा लग चुका है, ये देखो सूखने की वजह से मैंने फैन ऑन कर दिया है, इससे अच्छे से सूख जाएगा, पैर भी ना बनेंगे इसमें कोई आएगा तो। चलिए तो हम नीचे गिर दूँगी, क्लीनिंग करना चाहते हैं, मैं थक गई पोंछा लगा दे। चलिए तो थोड़ी देर से मिलते हैं। चलिए तो मैं अब ऊपर चलती हूँ और मेरे नीचे के रूम की क्लीनिंग हो गई है, और दोपहर का टाइम हो गया है और मैं ऊपर आई हूँ।
कुछ बनाने के लिए, कुछ नया। बहुत ही हवा चल रही है बाहर। चलिए तो पहले मैं सारी सामग्री निकाल के रख लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं काफ़ी टाइम बाद ये बना रही हूँ, और वो भी बेटू के कहने पर। बारिश को खाना है, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम नहीं तो 7-8 महीने हो गए होंगे मैंने जब बनाई थी ये। आप लोग साथ में भी शेयर की है, और मैं जब से अब बना रही हूँ, बेटू छोटा था जब बनाती थी मैं बारिश, और अब बना रही हूँ मैं बारिश के लिए, क्योंकि उसको खानी थी इसलिए। और आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप किए देखना, और देखिए मैं क्या बना रही हूँ। आप लोग बिना स्किप किए देखोगे जभी तो आगे पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया है 8-9 महीने बाद। चलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये बना रही हूँ मैं, ये है चावल की सेमई, सेवैयाँ बोल लो या सेवई बोल लो कुछ भी, और ये शक्कर है, और ये है इलायची, और ये मेरा दूध बॉयल हो रहा है, और ये है असली घी जो कि मैं मलाई में से निकालती हूँ। थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करूँगी इसमें, और गैस में थोड़ा स्पीड कर देती हूँ। ये देखो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सेवैयाँ, ये है चावल की, और इसमें डाल दिया है मैंने घी, शक्कर, और ये है इलायची, इनको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से चलाती हूँ, इसमें से चम्मच निकाल लूँ, मैंने ये स्टैंड यहीं रख लिए हैं सारे चम्मच, जल्दी से कुछ बनाओ तो लेकर लो। ये देखो क्या बन रहा है बेटू आपके लिए, ऊपर पे डाल लो। और जी कितने टाइम बाद बना रही हूँ मैं, 2 महीने बाद 8 महीने बाद। हाँ जब बेटू छोटा था जब खाता था ना बेटू सेवैयाँ, इसको बहुत पसंद है सेवैयाँ, साबुदाने की खीर, ये सब। और ईद की सेवैयाँ भी। अच्छा देखो कैसे बैठे हैं, देखो प्लेटफॉर्म पे दूर है ना बेटा, दूर। हाँ ये बन रही हैं। अच्छा ये बनती है तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये देखो पास से दिखाती हूँ तो इसमें भाप जम जाती है, धुंधला दिखता है फिर। चलिए जब तक बनती है अभी मिलते हैं, इस पे हाथ लगाओ ऐसा करके, मोबाइल पे ऐसा करके, मैं लगाती हूँ। चलिए तो ये हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम निकालते हैं, इनको सर्व करते हैं अपने बच्चों के लिए। चलिए तो हमने इसको निकाल दिया। कैसा निकाल देते हैं, जल्दी भी निकल जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। और ये देखिए हो गई है हमारे बच्चों के लिए कंप्लीट। चलिए तो ये चमची है हमारे बच्चों की, और ये हमारे बच्चों की खीर बन गई है। चलिए तो अब नीचे लेके चलते हैं।
अब आप लोग सोचोगे कि अभी सेवैया की खीर बनाई हुई थी, अभी इतनी जल्दी मैगी क्या है, वो बच्चों की फरमाइश थी और ये हस्बैंड की फरमाइश है, इसलिए मैं उसको बनाने के बाद मैं तुरंत ही मैं ये बनाने के लिए खड़ी हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड को भी भूख लगने लगी थी छोटी वाली। तो फिर मैंने कुछ नहीं, जल्दी से मैगी रेडी की, फिर मैंने रेडी करके फिर हस्बैंड को दी है और सादा सिंपल बनाई है सारा कुछ डाल के उसमें। चलिए, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऐड करना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और मेरी वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखा करो और एक प्यारा सा कमेंट करा करो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बहुत जल्द मिलती हूँ।